त्रिपुरा में टीएमसी नेता सुष्मिता देव पर एक कार्यक्रम के दौरान हमला हो गया। बंगाल में जीत के बाद टीएमसी 2023 में त्रिपुरा में होने वाले चुनाव के लिए दम लगा रही है, जिसके लिए पार्टी ने वहां त्रिपुरा के लोगों के लिए तृणमूल नाम का अभियान शुरू किया, जिसमें शामिल होने पहुंची पार्टी नेता सुष्मिता देव पर त्रिपुरा के अमथली इलाके में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कुछ लोग मारपीट करते दिखे। यही नहीं, ये भी नजर आया कि कुछ लोगों ने सुष्मिता देव से छीना झपटी की। यही नहीं, वो जिस गाड़ी से पहुंची थी उसके शीशे टूटे दिखाई दिए, जिसके बाद गुस्साई टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। ब्लेटेंट क्रिमिनल एक्ट इज हैपनिंग मींस दे आर द बैकिंग ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर। उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे टीएमसी नेता लगातार त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि त्रिपुरा में सवा साल बाद ही चुनाव होने हैं, जहां 2018 में बीजेपी ने सीपीएम की 25 साल पुरानी सत्ता का अंत किया था, जबकि वहां मुख्य विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। और अब त्रिपुरा में टीएमसी खुद को कांग्रेस और सीपीएम के विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी, जहां एक महीने पहले अभिषेक बनर्जी के दौरे पर राजनीति गरमाई थी, और अब कांग्रेस से टीएमसी में गई सुष्मिता देव की गाड़ी पर हमला हो गया, जिसके लिए टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया, जबकि त्रिपुरा पुलिस का दावा है कि टीएमसी ने इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी।